हेलो। यार कुछ गड़बड़ है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं लाइव हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, लेकिन लाइव हो गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम भोकाली तरीके से आगे होंगे। फिलहाल बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज है 15 जनवरी और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि वैसे संडे को आपका करंट अफेयर्स नहीं आता है, लेकिन कल आपका करंट अफेयर्स आएगा। थोड़ा सा लेट आएगा, मतलब 9 बजे के आसपास आपका करंट अफेयर्स आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कल करंट अफेयर्स करिए, क्योंकि मैं 17, 18, 19 और करंट अफेयर्स के लिए 20, यानी कि 17, 18, 19, 20 तारीख तक के लिए मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। तो अभी ऐसा हो जाता कि आपका जो गैप होता वो 16, 17, 18, 19, 20 का हो जाता। तो मैंने ये सोचा कि चलो कम से कम इस बार मैं 16 तारीख को आपको करंट अफेयर्स करा देता हूँ। तो जो ऑलमोस्ट आपका मंडे को करंट अफेयर्स मिलना चाहिए था, उससे आपका नुकसान कम से कम। बाकी जब मैं वापस आऊंगा तो आपको 17, 18, 19, 20 का करंट अफेयर्स आपको करा दूंगा। इसके अलावा छोटी सी एक बात और है, अगर आपको करंट अफेयर्स पे भरोसा नहीं है तो इस बार एसएससी सीजीएल के जो टॉपर रहे श्रीनिवास तेजा, नाम सर्च करेंगे, उन्होंने कई चैनलों पे इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था वो हमारे पास से ही पढ़ा था। तो आप विश्वास रखें, करंट अफेयर्स एकदम परफेक्ट है, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डेली करंट अफेयर्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेली नहीं कर पाते हैं तो आप मंथली करंट अफेयर्स करिए। वीकली करंट अफेयर्स शीतल मैम लेकर आई रही हैं, तो आप बेझिझक होकर करंट अफेयर्स पढ़ें, है ना। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे मेरे ऊपर तो ना मैं उस कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ा पाऊंगा और ना ही आप कॉन्फिडेंस से पढ़ पाएंगे। मेरी हर एक बात को सुना करें, कभी करंट अफेयर्स में कम डिटेल होती है, कभी करंट अफेयर्स में ज्यादा डिटेल होती है। ऑलमोस्ट ये ओवरऑल पैकेज है। तो आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बिना परेशानी के आप करंट अफेयर्स पढ़ें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक न्यूज़ को मैं खुद इतनी जिम्मेदारी के साथ कवर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कभी कभी सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। अगर किसी दिन मुझसे मान लो कोई डेटा गलत हो गया तो मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, या फिर आप ग्रुप में किसी से भी वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो एक बार भाई शेयर कर दो। हाँ, आज थल सेना दिवस है और कल 14 जनवरी को आपका वेटरन दिवस था, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थल सेना दिवस इसलिए है क्योंकि जो हमारे जनरल KM करियप्पा थे वो भारतीय सेना के पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने थे। इससे पहले भी थल सेना अध्यक्ष रहे थे, रजिंदर सिंह जडेजा, और आपके ये रजिंदर सिंह जडेजा तो बाद में आए थे, फ्रांसिस बुचर रहे थे। तो उनके बाद हमारे जो है जनरल KM करियप्पा जो है वो 15 जनवरी को किसी भारतीय ने पहली बार भारतीय सेना का पदभार, भारतीय सेना के अध्यक्ष का पदभार संभाला था, भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इस याद में 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का मैं लेकर आया हूं ये हैप्पी आर्मी डे स्पेशली, क्योंकि मैं बड़ा ही प्रभावित होता हूँ जो भी सेना के हमारे जवान हैं उनसे, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। क्योंकि यार आसान नहीं होता दूर देश में रहकर सेना देश की सेवा करना। वैसे आप भी देश की सेवा कर सकते हैं, आप खूब सारा पैसा कमाइए, अच्छी नौकरी करिए और खूब सारा इनकम टैक्स दीजिए, तो भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इसको आप कभी भी सेना के जवानों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो मर कर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मर कर भी न निकलेगी ये वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुश हुए वतन आएगी। तो सेना के सभी जवानों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा आभार और बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप हमारी रक्षा करते हैं। और आप जिस तरह का जीवन जीते हैं उस तरह का जीवन जीना किसी भी सामान्य आदमी के लिए आसान नहीं है। अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। क्या हो गया तुमको, अटक गया भाई? रुकिए, एक्चुअल में क्या है, एनिमेशन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। छत तेरी तो
अमेरिका ने मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। भारतीय नौसेना ने जापानी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुरू की पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। देर आए पर दुरुस्त आए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की शायद अकल ठिकाने आ रही है। और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। पर्यावरण मंत्री ने भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की। आज की क्या मतलब, ये समझ लीजिए पूरे साल भर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जनवरी से ढाका में शुरू। 16वीं क्वींस बैटन रिले के लिए सुश्री विनीस उमाशंकर का चयन किया गया। केवीआईसी ने खादी हस्तनिर्मित कागज की चप्पल लॉन्च की है। अब कागज की चप्पल कितने दिन चलेगी। असम में लवलीना बोरगोहन को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। केरल के एर्नाकुलम में एक पंचायत को सैनिटरी पैड मुक्त घोषित किया गया है, कार्बी लॉन्ग करके है ये। एचडीएफसी बैंक को चुना गया भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक। और अब कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारे बच्चों का हुआ है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैंने देखा भी, रिजल्ट भी आना। अगला, जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला शहर है वो है कोच्चि, केरला। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा एक मिशन शुरू किया है। तो ये मिशन जो है ये अमानत, मिशन अमानत शुरू किया है, और ये वेस्टर्न रेलवे ने शुरू किया है। ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश से संबंधित है। वे साउथ अफ्रीका से हैं और इस बार आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए थे। किस देश में मानव में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है। तो यूएस में ऐसा किया गया। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अली खान इस्माइलेव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। तमिल है तो मतलब तमिलनाडु में ही किया होगा। रेड सैंडलवुड की आईयूसीएन लाल सूची में स्थित, उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड से बदलकर अब क्या कर दिया गया है, उसका स्थिति इंडेंजर्ड कर दिया गया। रेड सैंडलवुड कहां पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको, कर्नाटका में मिलेगा। हाल ही में एस्ले बार्टी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता। वे किस देश की हैं। वे ऑस्ट्रेलिया की हैं। आज आपको पता है कानपुर में टेम्परेचर कितना है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी मैंने अपना हीटर बंद किया है, बिकॉज अगर मैं हीटर चलाता तो बोर्ड नहीं चल पाता। मैंने अभी अपना हीटर बंद किया और अब मेरे हाथ जो है वो सुन्न हो रहे हैं। 105 डिग्री सेंटीग्रेड। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया। डीआरडीओ ने। अमेरिका सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो अमेरिका के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजिलो। भारत एलए पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से नंबर पर पहुंचा है। भारत इस बार 83 नंबर पर है। 90 से हमारी स्थिति क्या हो गई है, 83 हो गई। डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है। तो ये सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, केंद्रीय पत्तन मंत्री, केंद्रीय पत्तन मंत्री, शिपिंग मिनिस्टर। राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली है। ये किस देश से है, निकारागुआ। ये किस देश के हैं, निकारागुआ। इसरो का अगला अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव किसे नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को। गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसरो द्वारा विकसित इस इंजन का नाम क्या है, विकास। इस इंजन का नाम क्या है, विकास। 12 जनवरी 2022 को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का वर्चुअली शुभारंभ किसने किया। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुभारंभ जो है वो सुभाष सरकार जी ने किया। इंडो इनडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, ये पुस्तक किसकी है, अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है, एसबीआई पूर्व चेयरमैन।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। जगन्ना का मतलब आंध्र प्रदेश। खत्म। भारत के सबसे बुजुर्ग भालू गुलाबो का निधन हो गया, ये कहां पर था? ये मादा भालू थी और आपके भोपाल में स्थित थी। और अब आपको लेके चलता हूं आज के करंट अफेयर्स की ओर। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी 14 जनवरी के डे से लेकर 14 जनवरी को मनाया गया सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 14 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ही भारत के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जो है वो रिटायर हुए थे। 15 जनवरी 1947 को उन्होंने पदभार संभाला था और 14 जनवरी को वो रिटायर हुए थे। इस वजह से 14 जनवरी को हम लोग सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यही KM करियप्पा जी की सेवानिवृत्ति की याद में मनाया जाता है, जो 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। वो राष्ट्र की सेवा करते हुए पूर्व सैनिक द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार आपका 2017 में मनाया गया था। इस बार कौन सा मनाया जा रहा है? इस बार इसका 6ठा संस्करण मनाया जा रहा है। KM करियप्पा पहले भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे, भारतीय थे जो सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। उन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। वे 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बने थे। तो भारत के पहले भारतीय जो थे वो KM करियप्पा थे जो कमांडर इन चीफ बने थे। इसके अलावा आपको मैं बात करता हूं डे रिलेटेड जो डिफेंस का है, ये स्लाइड मैंने पहले भी आपको रिप्रेजेंट की थी, एक बार फिर से कर लेते हैं। इंडियन आर्मी डे जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन कोडंडरा मडप्पा यानी कि KM करियप्पा जो है वो आपके कमांडर इन चीफ बने थे। भारतीय थल सेना का जो मोटिव है या जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि स्वयं से पहले कर्तव्य, स्वयं से पहले कर्तव्य। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स डे यानी कि भारतीय थल सेना भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो होता है टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि आप वैभव के साथ इस आप आकाश को छुए। विवेक राम चौधरी जो है वो अभी हाल ही में आपके एयरफोर्स के हेड बनाए गए हैं, विवेक राम चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? मनोज मुकुंद नरवाने, और मनोज मुकुंद नरवाने को अभी हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बनाया गया है। तो इंडियन नेवी डे जो हम हर साल कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। सम नो वरना, सम नो वरना जो है वो भारतीय नौसेना का मोटो है। सम नो वरना वर्तमान समय में आर हरि कुमार है, एडमिरल करमवीर सिंह की जगह ली है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने, और वो इसके हेड बनाए गए हैं। ठीक है, आगे इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस जो है यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो मोटो है वो है बी प्रोटेक्ट, और कृष्ण स्वामी नटराजन जो है वो वर्तमान समय में आपके रिटायर हो गए हैं। कृष्ण स्वामी नटराजन की जगह आपके जो आए हैं वो आए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। वो कौन बन गए हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो यहाँ पर कृष्ण स्वामी नटराजन का नाम काट दीजिए, यहाँ पर वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। उनका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, याद रखिएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। भारतीय अब चल नहीं रहा उधर, भारतीय तटरक्षक बल के नए DG बनाए गए, कैप्टन रॉमी नटराजन रिटायर हो गए। नेशनल कैडेट कोर डे ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को। यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है वो इसका मोटो है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप पाल सिंह जो है वो इसके हेड है या डायरेक्टर जनरल है। शेयर करते रहना। मिलिट्री नर्सिंग डे, मिलिट्री नर्सिंग डे महिलाओं को सेना में सेवा करने का मौका मिला 1 अक्टूबर 1926 को। इसका जो मोटो है वो सर्विस विद ए स्माइल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्म फोर्स फ्लैग डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे सशस्त्र सीमा झंडा दिवस, तो ये है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, और विजय दिवस ये आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश हुआ था, है ना, बांग्लादेश हुआ था, पोता हुआ था, मिठाई बांटी गई थी। वेद प्रकाश मलिक की अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। वेद प्रकाश मलिक जो है वीपी मलिक भारतीय सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा हम लोग क्या बात कर सकते हैं? 14 जनवरी को एक और चीज मनाई गई, आप सबने और हमने खिचड़ी खाई। हमारे यहाँ इसको मकर संक्रांति बोला जाता है, कई जगह इसको बिहू बोला जाता है, कई जगह इसको पोंगल बोला जाता है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कहां पर इसको क्या बोला जाता है।
तो 14 जनवरी, क्योंकि इस दिन सूर्य जो है वो आपका मकर रेखा में प्रवेश करता है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती है, यानी कि आप कह सकते हैं बसंत की शुरुआत हो जाती है। तो आइए चलते हैं पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है शिशुर संक्रांत। क्या कहा जाता है? शिशुर संक्रांत। जब आप पंजाब में पहुंचते हैं तो इसका नाम बदलकर माघी हो जाता है, माघी कहा जाता है। जब आप यूपी पहुंचते हैं तो इसे खिचड़ी कहा जाता है। बिहार झारखंड में इसे मकर संक्रांत कहा जाता है। आसाम पहुंचते हैं तो इसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में इसे पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इवन बांग्लादेश में भी इसे पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है। गुजरात जब आप पहुंचते हैं तो इसे उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। फिर आप महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां पर इसे मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। कर्नाटक के रूप में इसे मकर संक्रामना के नाम से जानते हैं, मकर संक्रामना के नाम से जानते हैं। केरला में इसे मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है और आंध्रा में इसे मकर संक्रांति और उड़ीसा में भी इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए किस राष्ट्र में क्या मनाया जाता है, ठीक है। पंजाब में इसे माघी या लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बात समझ। तो सूर्य जो है वो मकर रेखा में प्रवेश करने लगता है और इस वजह से गर्मी जो है वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपको ये मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे दिवस बता दिए। अब आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। इसके अलावा इस मकर संक्रांति को एक बढ़िया बात हुई कि हमें एक योगिनी देवी मिल गई है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार, भारतीय शास्त्रों के अनुसार नहीं, आप इसे कह सकते हैं कि भारतीय तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार 64 योगिनी होती है। कितनी योगिनी होती है? 64। और ये अलग अलग हिस्से में, भारत के हिस्से में प्रतिस्थापित की गई है। इसमें खासियत ये होती है कि इनका जो सिर होता है वो किसी न किसी पशु का होता है। जैसे अभी हमें एक आइडल मिली जो हमारे यहाँ चोरी हो गई थी और 40 साल बाद जो है इसको वापस लाया गया है यूके से। कहाँ से वापस लाया गया है? यूके से, इंग्लैंड से हमें ये वापस मिली है। और ये 10वीं सेंचुरी की आइडल है और इसका जो नाम है, ये एक योगिनी है और इनका नाम है, मतलब ये ऐसी योगिनी है जिनका जो सिर है वो बकरी का है, गोट योगिनी इसे बोला जाएगा। और इसको लोखारी नाम के टेम्पल से चुराया गया था, बांदा डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड, बांदा डिस्ट्रिक्ट आपका बुंदेलखंड में आता है, वहां से इसको चुराया गया था और अभी हाल फिलहाल इसे भारत में वापस लाया गया है। और ये लाने वाली कौन है? ये है गायत्री ईश्वर कुमार। गायत्री ईश्वर कुमार का नाम आपने सुना होगा। गायत्री ईश्वर कुमार जो है ये वर्तमान समय में यूके में यानी इंग्लैंड में भारत की तरफ से राजदूत है। कौन है? गायत्री ईश्वर कुमार। तो इस मकर संक्रांति को एक मूर्ति वापस आई है। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके कि लोखारी टेंपल ये कहां पर है। वो ऐसे टेंपल नहीं बोलते हैं, जिन टेंपल को चर्चा में होता है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो लोखारी टेंपल याद रखिएगा, बांदा डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में है। 64 योगिनी होती है, उनमें से एक योगिनी जो है वो हमें वापस मिल गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के हथियार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? भाई साहब बवाल हो गया है। बवाल इसलिए हो गया है क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता चला जा रहा है। यूएन ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि भाई इस तरह के परीक्षण मत किया करो। है तुम परीक्षण करते हो, बाकी सारे देश जो है वो हालाकान हो जाते हैं। फिर भी नहीं माना और दो हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। जब दो हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर दिया तो इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 6 नॉर्थ कोरियाई व्यक्ति, 1 रूसी व्यक्ति और 1 रूसी फर्म को बैन कर दिया। किस तरह से बैन कर दिया? कि ये लोग यूएस के किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रख पाएंगे। संबंध रखने का मतलब यह है कि लेन देन नहीं कर पाएंगे, वहां रह नहीं पाएंगे, वहां की चीजों को खरीद नहीं पाएंगे। इवन जो कंपनी है उसका नाम है पारसिक, उसका नाम क्या है? पारसिक। जो रूसी फर्म है पारसिक, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया, यानी कि वो अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाएगी। और इसको बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर यहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसके लिए उन्होंने दोषी पाया कि भाई कम से कम 6 उत्तर कोरियाई व्यक्ति ऐसे हैं जो नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइलों का समर्थन कर रहे हैं, यानी उनको माल वाल पहुंचा रहे हैं, जैसे वो लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है या तो टेक्नोलॉजी पहुंचा रहे हैं। तो भाई साहब इनको रोकना पड़ेगा। 1 रूसी व्यक्ति और 1 रूसी फर्म जिस पर इन्होंने लगाया है वो है पारसिक एलएलसी नाम की एक कंपनी है जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अब ये अमेरिका से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रख पाएंगे। ऐसे में मॉस्को से प्रतिक्रिया आई कि भाई मॉस्को ने बहुत लताड़ा कि यार ये क्या हुआ, मतलब तुम्हारा मन कर रहा है तुम किसी को भी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। तो मॉस्को ने कहा कि भाई तुम्हारा जब मन करेगा तो किसी के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दोगे? अरे कोई सबूत है तुम्हारे पास कि रूसी आदमी या रूसी फर्म ने ऐसा कहा है? तो हाल फिलहाल नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो लगाए गए हैं उसमें एक तरह से देखा जाए तो ध्रुवीकरण का होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली ये निकल कर मुद्दा निकल करके सामने आता है
कि रसिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के इन मिसाइलों के सपोर्ट कर रहा है और रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों? इससे विश्व में शांति का खतरा, विश्व में अशांति का खतरा जो है लगातार बन रहा है। तो यहां पर जो ये विदेश मंत्री है इनकी, इनका नाम है मारिया जोखारोव, इनका नाम क्या है, मारिया जोखारोव, ये विदेश मंत्री है रसिया की, उन्होंने कहा भाई ये अमेरिका का बहुत गलत कदम है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगली बात, अच्छा नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है अपना गोलू मोलू, है ना, और लगातार वो मिसाइल परीक्षण करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। राजधानी क्या है नॉर्थ कोरिया की? राजधानी जो है वो प्योंगयांग है। गोलू दादा ऑन फायर, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल अगली जानकारी पे चलते हैं। जनवरी 2022 में भारत और जापान के जहाजों ने समुद्री साझेदारी की, तो भैया हमारी तरफ से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत गए, कहां गए? बंगाल की खाड़ी में गए। कहां गए? बंगाल की खाड़ी में। क्यों गए? जापान के साथ एक मतलब साझेदारी वाला अभ्यास करने गए, तो हमारे जहाजों को समझ लो, हम तुम्हारे जहाजों को समझ ले। तो जापान की तरफ से जो जहाज आए, तो ये बे ऑफ बंगाल में अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ, और ये जापानी नौसेना के साथ हुआ। इसमें क्या हुआ, हमारे जो जहाज गए थे वो था शिवालिक और कदमत, उनके जो जहाज आए थे उनका नाम है उर्गा और हीराडो, नाम बढ़ गया उनके ना। अभी हाल फिलहाल हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की है, तो ऑलमोस्ट वो सारी एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ये स्लाइड मैं दोबारा आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इससे पहले भी कर चुका हूँ। तो मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्ती नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्राई लेटरल एक्सरसाइज हुआ, तो दोस्ती नाम का, किस नाम का? दोस्ती नाम का। ये किसके किसके बीच में हुआ? ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ। ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ। ये 15वां संस्करण था दोस्ती एक्सरसाइज का। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। बाईएनियल है, यानी कि वर्ष में दो बार होता है, और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ हुआ। इस बार इसका आयोजन कहां किया गया था? मालदीव में किया गया था। भाई साहब हो सकता है कि आप सारा ना याद कर पाए, हो सकता है कि आप सारा ना याद कर पाए, तो इसको अपने पास रखिएगा। पीडीएफ आपको रजनी भाई राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इसको अपने पास रखिएगा। इसमें बहुत सारी जानकारी है, 2021 के सभी मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आप इसको अपने पास रखिएगा। अभी जो मैं दो तीन आपको बता दे रहा हूँ, आप केवल वो याद करिए। तो दोस्ती याद करिए, दोस्ती किसके बीच हुआ? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। 15वां संस्करण था। बाईएनियल कोस्ट गार्ड, ये सेना के बीच में नहीं होता, ये कोस्ट गार्ड के बीच होता है, तटरक्षक बलों के बीच। इसका आयोजन कहां किया गया? मालदीव में किया गया। इसके अलावा इंडिया और मालदीव के बीच में क्या होता है? एक्वेरियन होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है? मित्र शक्ति होता है। इसकी शुरुआत जो दोस्ती एक्सरसाइज है, ये 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा 37वां जो है इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट हुआ। कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज। इसमें एक देश के जहाज जो है वो दूसरे देश में जाते हैं, इंडिया और इंडोनेशिया के। इसके अलावा समुद्र शक्ति होता है, गरुण शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। आगे सिटमैक्स की बात करें, तो सिटमैक्स में तीन देश भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेता है सिटमैक्स में? पहले सिंगापुर आ जाएगा, आई फॉर इंडिया हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। इस बार इसका होस्ट कंट्री कौन था? थाईलैंड था। और सिटमैक्स का कौन सा संस्करण हुआ? 3रा संस्करण। कहां पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। कहां पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? मैत्री होता है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। श्याम भारत होता है, ये एयरपोर्ट का एक्सरसाइज है। और इंडो थाई एक्सरसाइज होता है नेवी के बीच में। तो मैत्री होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में आर्मी के बीच, आर्मी के लिए, यानी कि थल सेना के लिए। श्याम भारत होता है एयरफोर्स के लिए, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आप याद रखना। अब मैं इसको आज और ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ये स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2022 को निम्न में से किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया? तो भाई इमरान खान जो है, अब उनको अकल थोड़ी सी समझ में आ रही है। पाकिस्तान में होता क्या था? पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, और इस बार तो पाकिस्तान का सपोर्ट करने के चक्कर में टर्की, माली और जॉर्डन को भी लपेट लिया गया। वर्तमान समय में एफएटीएफ का मुख्यालय कहां पर है? एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एंड टास्क फोर्स। इसका मेन मोटिव यह है कि किसी भी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग है या आतंकवादियों को पैसा पहुंच रहा है उसको किसी तरह से रोका जाए। एफएटीएफ के वर्तमान समय में जो हेड है वो है मार्कस प्लेयर। एफएटीएफ के जो वर्तमान समय में हेड है वो है मार्कस प्लेयर, ठीक है? वर्तमान समय में इन्होंने 21 देशों को ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट वो कंट्री होते हैं जहां जिनके ऊपर ये आरोप होता है कि वो लोग आतंकवादियों को वित्त पोषण कर रहे हैं या किसी तरह का पैसा वैसा पहुंचा रहे हैं। एफएटीएफ का मुख्यालय कहां पर है? एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। एफएटीएफ का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस फ्रांस में। अब सर आप यहां पर ये पाकिस्तान डिस्कस करते कहते एफएटीएफ में कहां पहुंच गए, सुन लो दो मिनट। इस बार टर्की, जॉर्डन और माली को
टर्की, जॉर्डन और माली को पूछा जा सकता है। जब आप सीबीटी 2 में जाएंगे तो हो सकता है पूछा जाए, या जब आप एसएससी का एग्जाम देने जाए तो हो सकता है पूछा जाए कि टर्की, जॉर्डन और माली किन तीन देशों को इस बार पाकिस्तान के साथ आपका एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रख दिया गया, तो वह है टर्की, जॉर्डन और माली। इसके अलावा दो देश ऐसे थे जिनको इस लिस्ट से इस बार बाहर किया गया, क्या आप बता सकते हैं वो दो देश कौन से थे? तो वो थे मॉरिशस, वो था मॉरिशस। मॉरिशस को इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ी सी राहत दी और मॉरिशस को इन्होंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। किससे? ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। जबकि पाकिस्तान, टर्की, जॉर्डन और माली को शामिल किया, बोत्सवाना, मॉरिशस एंड बोत्सवाना को बाहर कर दिया था, इनको शामिल कर लिया था, इनको बाहर कर दिया था। अब पाकिस्तान में अभी तक होता क्या था कि जो लोग वो लोग जो भी उनका बजट बजट होता था उसमें सेना को वो सर्वोपरि रखते थे। अब अभी क्या हुआ है, चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तो आई लेकिन उसका केवल एक हिस्सा सार्वजनिक किया गया, बाकी को गोपनीय कर दिया गया। और उसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है ये 2022 से 2026 के लिए है, यानी कि आपके 2022 से 2026 तक ही ये सुरक्षा नीति काम करेगी। इसमें नया क्या आया है, इसमें नया ये आया है कि पाकिस्तान ने पहली बार अपनी अर्थव्यवस्था को माना है कि वो कंगाली के कगार पर पहुंच गया है, और अब वो चाहते हैं कि रूस से उनके संबंध अच्छे हो जाए। अब आप समझना मामला क्या है, पाकिस्तान के संबंध अमेरिका से अच्छे, और जिस जिस आदमी के रूस से संबंध अच्छे होते हैं उस आदमी के अमेरिका से संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाते, भारत एक एक्सेप्शनल है। तो अब पाकिस्तान के संबंध जो है वो रूस के साथ अच्छे हो जाएं, भारत के साथ अच्छे हो जाएं, ऐसा इन्होंने सुरक्षा नीति में कहा है। और पहला ये कहा है कि देश में अब सेना की सुरक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सही बात है, पाकिस्तान समृद्ध होगा, अच्छा होगा, तो वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर देगा। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी जारी किया है कि भारत के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन भारत में जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब तक पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते, क्योंकि वो कश्मीर पर किसी भी तरीके का समझौता करने को तैयार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो हाल फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है, इसके मुख्य विषय रहे राष्ट्रीय एकता, आर्थिक भविष्य की सुरक्षा, रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता आदि उन्होंने यहाँ पर शामिल किया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्योंकि पड़ोसी देश है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान को आजादी हमसे एक रात पहले मिल गई थी, 14 अगस्त। नेशनल एनिफन यहाँ पे मरकोर है, मरकोर थोड़ा सा उसका सींग वगैरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, चुकर, चुकर जैसे आप मुर्गा भी कह सकते हैं एक तरह से। नेशनल फ्रूट मैंगो है गर्मियों में, और अमरूद जो है वो सर्दियों में। नेशनल ट्री जो है वो देवदार है। ईद उल फितर जो है वो पाकिस्तान का प्रमुख त्यौहार है। ईद उल अजहा और शबे बारात प्रमुख त्यौहार है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, नेम ऑफ पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है, 342 जो है वो वहां पे सदस्य है। नेशनल लैंग्वेज उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी को रखा हुआ है। 4 राज्य आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। करेंसी पाकिस्तानी रुपया चलती है। हाईएस्ट पीक जो है वो तिरिच मीर है, कुछ लोग केटू कहते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि केटू भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब मेरे मानने से कुछ नहीं हो जाता लेकिन केटू जो है वो भारत का हिस्सा ही आप मानो, तो तिरिच मीर है। अगर केटू ऑप्शन में ना मिले तो तिरिच मीर लगा देना, और तिरिच मीर ना मिले तो केटू ऑप्शन पे लगा देना, पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो सिंधु नदी है, और नेशनल गेम है वो फील्ड हॉकी। नेशनल गेम क्या है? फील्ड हॉकी। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं पाकिस्तान की राजधानी कराची बताते हैं, पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? एमएसएमई जैसे कि आप सभी समझ रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज केंद्र का उद्घाटन किया है, और इसका मेन मोटिव ये है कि किसी तरीके से भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। हम क्यों ताइवान से इंपोर्ट करें, हम क्यों चाइना का माल इंपोर्ट करें, यहीं पर बनाते हैं ना। तो हाल फिलहाल उन्होंने पुदुचेरी में इसका इनॉग्रेशन किया है। पुदुचेरी में आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति शासन लगा था। वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, पुदुचेरी एक एक्सेप्शनल केस है दिल्ली की तरीके, जहां पर मुख्यमंत्री भी होता है और उपराज्यपाल भी होता है। तो यहां पर पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी होते हुए भी यहां पर मुख्यमंत्री है पी नारायण स्वामी। मुख्यमंत्री कौन है? पी नारायण स्वामी। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदर राजन है। तमिलसाई सौंदर राजन एक राज्य की गवर्नर भी है, क्या आप बता सकते हैं वो किस राज्य की गवर्नर है? तमिलसाई सौंदर राजन। फिलहाल पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी का एक द्वीप है इडन, एक द्वीप नहीं सॉरी एक बीच है इडन, इसको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। इसके साथ साथ कोवलम को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। कौन सा सर्टिफिकेशन दिया गया था? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। अब देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचों की संख्या यानी 10 है। कोवलम कहां पर है, क्या आप बता सकते हैं कोवलम कहां पर है? कोवलम और इडन, पुडुचेरी का तो इडन हो गया, कोवलम किस राज्य में?
तेलंगाना की गवर्नर है, बिल्कुल सही बोला तमिलसाई सौंदर्य राजन। आपको बताना है कि कोवलम बीच जो है ये कहां पर है, जिसको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, फटाफट बताइए। वेरी गुड, तमिलनाडु में है कोवलम। कहां पर है? तमिलनाडु का कोवलम जो है उसको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। अब अगर हम बात करें तो एमएसएमई केंद्र की जो उद्घाटन किया गया है, तो इसको याद रखना है ये एक प्रौद्योगिकी केंद्र है और इसको पुदुचेरी में डेवलप किया जा रहा है 122 करोड़ रुपए के साथ। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। कुछ और सेंटर है जिनको अभी हाल ही में डेवलप किया गया, मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, अभी हाल ही में एक जगह कल्पना चावला के नाम पर, किनके नाम पर? कल्पना चावला जी के नाम पर एक रिसर्च सेंटर जो है वो बनाया गया, आप बता सकते हैं? और मैं आपको बताऊं इसका इनॉग्रेशन जो है वो किसने किया था? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। कल्पना चावला रिसर्च सेंटर कहां पर ओपन हुआ? इसके अलावा देश का पहला फूड म्यूजियम ये अभी हाल ही में ओपन हुआ। ये किस राज्य में ओपन हुआ? देश का पहला फूड म्यूजियम ये कहां पर डेवलप किया गया? वेरी गुड, कल्पना चावला रिसर्च सेंटर जो है ये आपका चंडीगढ़ में ओपन किया गया था। कहां पर ओपन किया गया था? चंडीगढ़ में ओपन किया गया था। देश का पहला फूड म्यूजियम तंजावुर में, तंजावुर तमिलनाडु, देश का पहला फूड म्यूजियम तंजावुर तमिलनाडु में डेवलप किया गया है, ठीक है? और याद रखिएगा, देश का पहला फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर का मतलब फूल और प्रोसेसिंग का मतलब हो गया प्रसंस्करण, यानी कि फ्लावर से नए तरीके के उत्पाद बनाना, फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर किस राज्य में डेवलप किया गया? देश का पहला फूल प्रसंस्करण केंद्र कहां पर डेवलप किया गया? कहां पर किया गया? वेरी गुड, कर्नाटका। कहां पर किया जा रहा है? कर्नाटका में इसे डेवलप किया गया। कहां पर किया गया? कर्नाटका में इसे डेवलप किया गया। देश का पहला समुद्री संग्रहालय यह कहां पर डेवलप किया गया? तो पुर्तगाल सरकार के सहयोग से ये लोथल गुजरात में डेवलप किया गया। ये पुर्तगाल सरकार के सहयोग से कहां पर डेवलप किया गया? लोथल गुजरात में डेवलप किया गया। इसके अलावा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये किस जिले में खोली गई? देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपके यूपी के कुशीनगर में खोली गई। कहां पर खोली गई? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ओपन की गई। बाकी भी और भी याद आ रहा है, तो देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर लगाया गया? देश का पहला अनाज एटीएम कहां पर लगाया गया है? यह आपका हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया। यह आपका कहां पर लगाया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया। और क्या हो सकता है? चलो इतना पर्याप्त, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में देश की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी ये कहां पर डेवलप की गई? ये आपकी डेवलप की गई हैदराबाद में। ये आपकी कहां पर डेवलप की गई? हैदराबाद में। HYD लिख दो, काम चल जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद में देश का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर भी डेवलप किया गया। किसके प्रयासों से? एनवी रमन्ना के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? एनवी रमन्ना को जानते हो? नहीं जानते हो तो फिर ठीक है, भला हो तुम्हारा। IAMC इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर ये कहां पर डेवलप किया गया? ये भी आपका हैदराबाद में डेवलप किया गया। एक और चीज हैदराबाद में लगाई गई, साइबर वॉरियर सेंटर ये भी आपका कहां पर बनाया गया? साइबर वॉरियर सेंटर ये भी आपका हैदराबाद में बनाया गया। अब पास जाएगा कुछ ना कुछ तो, आगे बढ़े। हाँ, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने पुदुचेरी में एक कामराजार मनी मंडपम सेंटर जो है वो डेवलप किया। कामराजार जो है ये पहले सीएम रहे थे, मतलब कि उनकी लाइफ के ऊपर आ जाते थे, तमिलनाडु के सीएम रहे के कामराज, उनके ऊपर एक म्यूजियम जो है वहां पर ओपन किया गया है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कामराजार मनी मंडपम म्यूजियम कहां पर है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी आप, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, आ गई बात समझ में? अंजना इलॉक्स कह रहे हैं सर कहां भाग जाते हैं, अरे वहां के नाम ऐसा ही होते हैं साउथ के, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो वीडियो को। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है। इस न्यूज पे हम लोग काफी देर तक डिस्कशन करेंगे, आराम से समझना, जल्दीबाजी मत मचाना, क्योंकि इस न्यूज में क्या क्या है वो समझो, इसमें बहुत कुछ पूछा गया।
एक्चुअल में ये क्या है, ये भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसे फॉरेस्ट सर्वेयर ऑफ इंडिया ने जारी किया। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भारत में जो वन आवरण है वो कैसा है और कितना बड़ा है, मतलब भारत में कहां कहां पर वन है, सबसे ज्यादा वन कहां पर है, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला राज्य कहां पर है। तो इससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके आने वाले एग्जाम पे बनने वाला है। फिलहाल अभी जो प्रश्न आपके सामने है वो ये है कि भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वन क्षेत्र है, कितना प्रतिशत ऐसा है जहां पे वन और पेड़ लगे हुए। तो ये पता चला है कि 24.62% जो है वो भारत, पूरे भारत का जो एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके 24.62% एरिया पर वन है या पेड़ है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है कि इसे भारतीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक नया चैप्टर और ऐड किया गया है कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने कॉरिडोर हैं, कितने शेर संरक्षण क्षेत्र हैं। और ये पूरा का पूरा डेटा जो हमें मिला है वो हमारा एक सैटेलाइट है रिसोर्स सेट टू, उसका डेटा, उसकी मैपिंग, उसकी इमेजेस के जरिए हमने ये डेटा इंटरैक्ट किया है। इस डेटा में ये बताया गया है कि भारत में वर्तमान कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। एग्जैक्ट डेटा याद करो, 80.9 मिलियन हेक्टेयर पे हमारे पास वन या वृक्ष आवरण है। ये हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 24.62% है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कितना क्षेत्रफल वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो 24.62% है। अगर देखा जाए तो 2019 की तुलना में हमने 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। लेकिन इसके साथ एक नोट और आया कि जो भी हमने वन आवरण की वृद्धि की है वो हमने ऐसे पेड़ लगाए हैं जो जल्दी से बड़े हो जाते हैं और ऐसे पेड़ों में कार्बन सोखने की उतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती। अगर हमने इसकी जगह ऐसे पेड़ लगाए होते जो थोड़ा धीरे से बढ़ते हैं तो आगे आने वाले समय में हमें इस वन आवरण का ज्यादा फायदा मिल सकता था। डेटा याद रखिएगा, 24.62%, 80.9 मिलियन हेक्टेयर और 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। जिन राज्यों ने सबसे तेज वृद्धि दर्शाई है उनमें है आंध्र प्रदेश, इसने वन आवरण का बहुत तेजी से वृद्धि दिखाई है, तेलंगाना, उड़ीसा, ये शीर्ष तीन राज्य हैं जिन्होंने वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाई है। ये वृद्धि है, ये ओवरऑल नहीं है, ओवरऑल ये है। मध्य प्रदेश जो है ये देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है, यानी अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन और वृक्ष आवरण कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है, यानी कि आप पहले मध्य प्रदेश में आएंगे और फिर सीधे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए अरुणाचल प्रदेश में, और फिर मध्य प्रदेश के बगल में आ जाइए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो देखा जाए मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र रखने वाला राज्य है। इसके अलावा एक और आंकड़ा आता है कि किस राज्य का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का एरिया 100 वर्ग किलोमीटर है, तो अगर उसके 10 वर्ग किलोमीटर में आपका वन क्षेत्र है तो उसका एरिया कितना प्रतिशत हो गया, उसके 10% क्षेत्र पे वन क्षेत्र। लेकिन अगर आप माने जैसे कि यहां पर मिजोरम की बात की जाए, मिजोरम का एरिया ही 10 किलोमीटर है और उसके 10 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, तो आपका जो उसका वन आवरण प्रतिशत हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। तो ये डेटा हमें क्या बताता है, ये डेटा हमें ये बताता है कि वहां पर जितनी लैंड अवेलेबल है उसमें से कितना प्रतिशत वन आवरण है। तो अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत जो है वो मिजोरम का है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का है, फिर मेघालय का है, फिर मणिपुर का है और फिर नागालैंड का। भारत में कुल मैंग्रोव कवर जो है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है और पिछले वर्ष की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो 7,204 मिलियन टन है, इसमें पिछले साल की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, यानी कि हम हर मामले में थोड़ा थोड़ा वृद्धि कर गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका डेटा जो है कहीं पर लिख लीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसके नोट्स प्रॉपर बना लेना, इससे एक प्रश्न निश्चित तौर पर दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। अब एग्जाम वाले ना पूछे तो बात अलग है, बाकी यूपीएससी हो, पीएससी हो, किसी भी एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, इससे अब जुड़ा हुआ, क्योंकि रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, कम से कम 10 पन्ने की तो रिपोर्ट है, हर रिपोर्ट मतलब 12 चैप्टर है उसमें और हर चैप्टर में कम से कम 10-10 पेज है, तो वो 120 पन्ने की रिपोर्ट का ये पूरा सार है, आप वो रिपोर्ट कभी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए ये आपके लिए सार है। तो भाई इसको थोड़ा सा और वीडियो को शेयर कराओ बहुत भोकाली तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बता दी मैंने अभी। अगली जानकारी, जनवरी 2022 में ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन
किया जाएगा। तो ये जो फिल्म महोत्सव है ये आपका 20वां होगा और ये ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 23 जनवरी के बीच में ढाका में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में 70 देशों की 10 विभिन्न श्रेणियों की 225 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और इस बार इसका आयोजन हाइब्रिड रूप में किया जा रहा है, मतलब कई फिल्में ऑनलाइन माध्यम से दिखाई जाएंगी, कई फिल्में ऑफलाइन माध्यम से दिखाई जाएंगी। तो इसमें 21 फिल्में हैं और अभी इसका अवार्ड आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। फिलहाल आपको यह याद रखना है कि 20वां संस्करण है, 15 से 23 जनवरी ढाका में आयोजित किया जा रहा है। अगली जानकारी है सुश्री विनीशा उमाशंकर को भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले का बैटन धारक के रूप में चुना गया, वह किस राज्य से है? तो ये आपकी तमिलनाडु से, ये आपकी कहां से है? तमिलनाडु की पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्होंने एक ऐसा वो बनाया है, प्रेस जानते हैं जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, इस्त्री बनाया है जो सोलर पावर से चलता है, तो कोयले की जरूरत उन्होंने खत्म किया है, इस वजह से इनको थोड़ा सा आपका नेम ऑफ फेम मिला। ये क्वींस बैटन क्या होता है आपको याद होगा, इसे देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको बर्मिंगम का साइन दिखाई देगा। बर्मिंगम में 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम होने और इसी को लेकर के एक मसाल जो है वो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनके सभी राज्यों में जाती है और उसको लेकर के ताकि उसका प्रचार प्रसार किया जाए। ये पुरानी प्रथा है, मसाल लेकर दौड़ते हैं, आपको याद होगा पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा वो मसाल लेकर दौड़ रहे हैं। तो तमिलनाडु की पर्यावरण कार्यकर्ता सुश्री विनीशा उमाशंकर को भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले में 12 से 15 जनवरी के लिए परिवर्तनकारी तथा बैटन बियरर के रूप में चुना गया है। भारत में इस बैटन का स्वागत रवि दहिया ने किया था। भारत में इस बैटन का स्वागत किसने किया था? रवि दहिया ने किया था और यह 7 अक्टूबर को आपकी लंदन के बर्किंगम पैलेस से शुरू हुई थी और 28 जुलाई 2022 को समाप्त होगी। जितने भी आपके कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में जाएगी, क्योंकि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होने वाले? बर्मिंगम में होने वाले। आगे चलते हैं, खादी हस्तनिर्मित कागज की चप्पल किसने लॉन्च की है? तो जाहिर सी बात है उसे केवीआईसी ने डेवलप किया है। ये कागज की चप्पल है और पहली बार केवीआईसी ने क्या किया है, बेबी वियर को भी लॉन्च किया है। तो कागज की चप्पल किसने लॉन्च की है? केवीआईसी ने। आगे, लवलीना बोरगोहेन को आसाम पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया है, वह किस खेल से संबंधित है? हमें पता है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था लवलीना बोरगोहेन ने, वो बॉक्सिंग से संबंधित है। तो देन द राइट आंसर मार्क क्या हो जाएगा? बॉक्सिंग। एक बात और याद रखिएगा कि उनका संबंध कहां से है, उनका संबंध आसाम से है। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक में यादगार प्रदर्शन करने के लिए 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक उन्होंने जीता था, इसलिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के रूप में सम्मानित किया जाएगा और उन्हें 1,00,000 रुपए सैलरी अलग से दी जाएगी। एर्नाकुलम में कुंबालंगी पंचायत को सैनिटरी नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है। न्यूज थोड़ी सी हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, एक्चुअल में क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं उनका यूज बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं माना जाता, मतलब उनको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, उनको काफी सारी चीजें होती हैं, कई सारी महिलाओं को दिक्कत होती है तो उनका प्रयोग भी नहीं करते। तो एक नया प्रयोग वहां पर आया है अलाय वाइकी नाम से, अलाय काई फॉर हर, मतलब इस कैंपेन का नाम था फॉर हर, अंग्रेजी में याद रखी फॉर हर कैंपेन में क्या किया गया, मेंस्ट्रुअल कप जो है वो वितरित किए गए थे और इस तरीके से केरला की जो कुबालंगी पंचायत है वो सैनिटरी नैपकिन मुक्त बन गई है। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, ये वही जगह है कुबालंगी पंचायत या कुबालंगी गांव जिसे भारत का पहला मॉडल विलेज घोषित किया गया था। भारत का पहला मॉडल विलेज, इंडियन मॉडल विलेज, भारत का पहला मॉडल विलेज कौन है? यही वो गांव है जो भारत का पहला मॉडल विलेज घोषित किया गया था और एर्नाकुलम वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट पाया जाता है। वैसे अगर देखा जाए 100% लिटरेसी रेट जो है वो देहरादून ने हासिल कर रखा है, लेकिन जो जिला एर्नाकुलम जो है वो 100% लिटरेसी रेट के करीब पहुंच चुका है, 95% यहाँ पर भी लिटरेसी रेट है। तो ये केरला का ये गांव है जहां पर उसको अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है कि एर्नाकुलम इससे पहले भी भारत में बहुत कई सारे और मायनों में पहला बन चुका है, इसकी कुंबालंगी पंचायत जो है वो छोटी झील के किनारे स्थित है और ये अभी हाल ही में सैनिटरी नैपकिन मुक्त घोषित हो गई है। केरल के जो मुख्यमंत्री है वो वर्तमान समय में कौन है? पिनराई विजयन, और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो आपके क्या है? राज्यपाल है। कल मैंने आपको शायद केरल डिस्कस किया था तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और मुझे याद आ रही है, अभी हाल ही में उड़ीसा का जो गंजम जिला है वो भी चर्चा में था, ऐसा ही कुछ लेकर के। उड़ीसा का गंजम जिला इसलिए चर्चा में था क्योंकि उसको अभी हाल ही में पूरी तरीके से बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया उड़ीसा के गंजम जिला को। तो कुंबालंगी पंचायत को याद रखिएगा, ये एक फिल्म आई थी कुंबालंगी नाइट, उसके बाद से ये चर्चा में आ गया और देश का पहला मॉडल टूरिस्ट विलेज बना आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, ठीक है।
हाँ जी याद रखिएगा, बाल विवाह मुक्त कौन सा हुआ है? उड़ीसा का गंजम जिला हुआ है। ठीक, आगे ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? तो यह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है, बेस्ट प्राइवेट बैंक चुना गया है। किसमें? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में। अच्छा अभी याद रखिएगा, अभी आरबीआई ने एक लिस्ट जारी की थी, इस बार आरबीआई ने अपना लिस्ट अपडेट किया है डीएसआईबी बैंकों का। ये बैंकिंग वाले जो छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डीएसआईबी बैंक क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी ऐसे बैंक जो इतने बड़े हो गए हैं कि शायद ये अब कभी फेल नहीं होंगे, टू बिग टू फेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और ये कभी फेल भी होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो इनको बचाने आ जाएगी। इस बैंक में, इस कैटेगरी में आपके तीन बैंक शामिल हैं, एक आपका एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक आपका एचडीएफसी है और एक आपका आईसीआईसीआई। तो ये तीन बैंक जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, इसको याद रखना। तो दुनिया के अग्रणी बैंक में शामिल हो गया एचडीएफसी। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में, शशिधर जगदीशन जो है वो वर्तमान समय में इसके सीईओ है। अब बारी आज के वन लाइनर की। आज के वन लाइनर में सबसे पहले, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के हथियार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर कोरिया। जनवरी 2022 में भारत और जापान के जहाजों ने समुद्री साझेदारी अभ्यास कहां पर आयोजित किया? तो बंगाल की खाड़ी में। 14 जनवरी 2022 को निम्न में से किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निकाली? पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ने कहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी सेंटर खोला है? पुदुचेरी। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र प्रतिशत है? 24.62%। जनवरी 2022 में ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? 20वां। सुश्री विनेशा उमाशंकर को भारत में चल रही 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के बैटन धारक के रूप में चुना गया है, वो कहां से है? तमिलनाडु से। और किसने एक चप्पल लॉन्च की है कागज की? केवीआईसी ने। लवलीना बोरगोहन को आसाम पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया, वो किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। और एर्नाकुलम में कुम्भा लंगी पंचायत को सैनिटरी नैपकिन मुक्त घोषित किया गया, कहां पर स्थित है? केरल। और ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? वो है एचडीएफसी। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? तो याद रखिएगा, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो अहमदनगर में हुई थी। सर्वाधिक क्रूर शासक था ये मुगल एम्पायर में, नहीं था है ना, सबसे क्रूर। फिलहाल जो उत्तर मुझे अच्छा लगा और फिर लाइक भी थे, भूपेंद्र यादव रावत, थैंक यू भूपेंद्र, इन्होंने बताया कि सर आंसर सी है, अहमदनगर। औरंगजेब छठवां मुगल राजा था, शासन अवधि 31 जुलाई 1658 से लेकर 3 मार्च 1707 तक शासन करता है। शालीमार बाग में 13 जून 1659 को ताज पहनता है। इससे पहले शाहजहां जो थे वो मुगल शासक थे। जन्म मुहद्दीन मोहम्मद के नाम से हुआ था, 3 नवंबर 1618 में दाहोद मुगल साम्राज्य संभालता है। निधन 3 मार्च 1707 को हुआ, 88 वर्ष की आयु में अहमदनगर में इसका निधन हुआ था। वहां पे औरंगजेब का मकबरा जो है वो खुल्दाबाद में बनाया गया है। और आज का प्रश्न बहुत आसान कि अभी तक कितने ऐसे राष्ट्रपति भारत के हैं जो निर्विरोध चुने गए? इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां नहीं करना है, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन पे करना है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए सर वन लाइनर की पीडीएफ दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे, जिंदा पीर, बहुत बढ़िया। हाँ क्लास बंद रहेगा 4 दिन, डेट भी तो देखा बताई थी, 17, 18, 19, 20। तो कल करंट अफेयर्स आएगा, संडे को करंट अफेयर्स नहीं आता है ना, तो कल करंट अफेयर्स आएगा, मैं इवेंट लगवा दूंगा। टाइम एक बार अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बाकी लोगों की क्लास को देखते हुए थोड़ा सा लेट कलेक्ट करेंगे करंट अफेयर्स को, तो आपका करंट अफेयर्स कल आएगा ताकि आपका जो गैप है वो ज्यादा ना हो। फिर 17, 18, 19, 20 को आपका करंट अफेयर्स नहीं आ पाएगा। मैं जा रहा हूँ घूमने, घूमने नहीं जा रहा हूँ, मतलब एक मित्र का शादी है, आप समझ लो मेरा मित्र है तो काफी बुढ़ापे में शादी कर रहा है वो, तो काफी बुलाया उसने, मैं नहीं जाने वाला था, मैंने कहा ठंड है यार मैं नहीं आऊंगा, तो बोला अगर तू नहीं आएगा ना तो फिर दोस्ती खत्म। अब दोस्ती पर बात आ गई है तो मैं नहीं चाहता मेरी दोस्ती टूटे, तो फिलहाल चलते हैं जी। बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। चलिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।